हम लोगों को कंटिन्यू करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है ये पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ जब पढ़े तो उसमें हम लोगों ने रेट कॉन्स्टेंट के निकाला था, तो के का वैल्यू आया था 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हम लोगों को फार्मूला मिला था। तो उस फार्मूला का यूज़ करके हम लोगों ने हाफ लाइफ पीरियड का भी एक एक्सप्रेशन निकाला, जिसमें कहा था कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K, और उससे कंक्लूज़न ये निकाले थे कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन, या यूं कहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। और उसी को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी को थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स वगैरह उस पर कैसे बेस्ड होता है और उससे बहुत सारा कंक्लूजन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसी पर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो टॉपिक का नाम पहले लिख देता हूँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने K डिराइव किया था 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। अलग अलग बुक्स में इसका सिंबलाइजेशन अलग अलग होता है, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन को ए लिख देगा और यहाँ लिख देगा ए माइनस एक्स, मतलब एक्स जो है वो टूट गया, जो अमाउंट डिकम्पोज हुआ उसके बारे में चर्चा कह रहा है। तो ये सब बातें हैं, सिंबलाइजेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहने का जो कंसेप्ट, जो जिस्ट है, जो कंक्लूजन है वो यही है कि K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन होगा, जिसमें ये कहा था कि ये K जो है वो है रेट कांस्टेंट और T हो गया टाइम, R नॉट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये R जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन। इसमें हाफ लाइफ पीरियड भी निकाल कर मैंने दिखाया था, हाफ लाइफ पीरियड, और वो हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनली हम लोगों को 0.693/K मिला था। और इसमें हम लोगों ने ये कंक्लूज़न निकाला था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट from the initial concentration of reactant। यहाँ initial concentration कहा, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि initial पे नहीं depend करता तो final पे depend करता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये concentration पे depend करता ही नहीं है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हम आधा kg कोई substance लेते हैं, उसको आधा होने में अगर 10 मिनट लगता है
तो 1 kg भी लेंगे तब भी आधा होने में 10 मिनट लगेगा, और 50 kg लेंगे तब भी आधा होने में 10 मिनट ही लगेगा। इस पर हाफ लाइफ पीरियड पे इस अमाउंट का कोई असर नहीं होगा, हम ये समझाना चाहते हैं। जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इसका असर होता था, उसमें आपने देखा होगा कि टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2k आया था, और उसमें मैंने कहा था कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मीनिंग दियर वाई कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट लेते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड ज़्यादा होगा, कम अमाउंट लीजिएगा हाफ लाइफ पीरियड कम होगा, लेकिन यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। ये इसकी खासियत हुई, ये इसकी खास बात है, इसमें स्पेशलिटी है ये। तो हम ये जुमला लिख देते हैं, इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्पेशलिटी हुआ कि इसका हाफ लाइफ पीरियड इसके इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, ये इसका खासियत है। अब एक बात और भी अभी जो बताया है कि जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, ऑल द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब डिके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। वो जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वे सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं कुछ अनुभव की बात, जिससे आपको एक्सपीरियंस होगा, तुरंत जवाब देने का एक कैपेबिलिटी डेवलप होगी। कहता है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40 मिनट्स। मैं कुछ सवालों से आपका कंसेप्ट डेवलप करना चाहता हूँ, कंसेप्ट बिल्डअप करना चाहता हूँ, कि इसको बनाने से आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी, फिर उसके बाद मोटी मोटा तौर पे भी सॉल्व करने का तरीका हम आपको सिखाएंगे। मैंने यहाँ लिखा है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40 मिनट्स, 40 मिनट्स है। तो कहता है कि कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन, 75% कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा। ये हम बड़ा आसान है, ये हम तुरंत जबानी आपको बता सकते हैं, 80 मिनट आंसर होगा। लेकिन इसको हम कैसे मैथमेटिकली इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यूज बना सकते हैं, 80 मिनट आएगा भी। सभी लोग लॉग टेबल अपने सामने रखिएगा, मेरे पास भी लॉग टेबल है, मैंने लॉग टेबल निकाल लिया है इसमें, और वो मुझे ज़रूरत होगी लॉग टेबल की, और आप भी लॉग टेबल देखना आप लोग को सिखा चुका हूँ, तो आप भी लॉग टेबल निकाल कर अपने पास रखिए, क्योंकि इसमें लॉग टेबल की ज़रूरत खूब पड़ने वाली है। तो देखिए, इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो गिवन डाटा क्या है, गिवन टी हाफ दिया है 40 मिनट दिया है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टी हाफ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693/k। तो टी हाफ हमको पता है, तो इससे हम k निकाल लेंगे 0.693/40। ये मैंने कर दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, बाद में इसका यूज करूँगा, इसलिए इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब हमको निकालना क्या है, टी
वी हैव टू कैलकुलेट, हमको निकालना क्या है, T75% क्या होगा, 75% कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा, यही हमको निकालना है। तो मान लेंगे, सपोज कीजिए, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो R है, इनिशियल कंसंट्रेशन, अब आप कुछ भी मान सकते हैं, हम R मान लेते हैं। तो आफ्टर 75% कंप्लीशन द फाइनल क्या बचेगा, फाइनल कंसंट्रेशन क्या बचेगा, तो R में से R का 75% घटा देना है, यही तो बचेगा। अब आप कहिएगा कि सर आप फाइनल क्यों निकाले, तो फॉर्मूला जो लिखा था मैंने उसमें बताया था ना कि लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल, तो इनिशियल तो हमने R नॉट मान लिया है, सॉरी R मान लिया है, तो फाइनल हमको चाहिए ना, तो फाइनल जो है वो हम कैसे निकालेंगे, 75% कंप्लीट होने के बाद जितना बच जाएगा वही फाइनल होगा। तो 75% कटा दीजिए, 25 से काटिएगा, 25 या 75, 25 चुका 100, तो 1/4R, ये हमको फाइनल अमाउंट मिल गया, ये फाइनल कंसंट्रेशन हुआ। अब जब फाइनल भी मालूम हो गया, इनिशियल भी मालूम हो गया, तो देखिए ये दोनों डाटा हमको मालूम है, तो हमको कुछ बहुत मेहनत नहीं करना है। नाउ T75% इज इक्वल टू 2.303, फॉर्मूला लिखेंगे के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन R बाय फाइनल कंसंट्रेशन 1/R/4। तो T75% निकाल देना है, 2.303, ठीक बात है, बाय के का वैल्यू 0.693 और 4 ऊपर चला जाएगा, लॉग ये R से R कैंसिल हो गया, 4 आ गया, तो 2.303 इंटू 4 बाई 0.693 इंटू 2 log 2, हम इसको लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर 4 होगा, तो 2.303 इंटू 4 बाई 0.693 इंटू 2 इंटू log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। अब इस सब को सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने में सबको सॉल्व कीजिए आप, और जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एग्जैक्ट 80 मिनट ये आंसर आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए और 80 मिनट इसका आंसर आएगा। तो 2.303 log 2 को गुना किए थे तो यही आया था, तो भाग देंगे तो log 2 आएगा, log 4, हाँ ठीक है वही आएगा, 80 मिनट इसका आंसर आएगा। तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कंक्लूडली वी कैन से T75% जो होगा वो 2 × T50% होगा। हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा कंक्लूजन हमारे सामने आ गया। अगर एक नंबर के सवाल में या दो नंबर के सवाल में टिक मारने वाला पूछ दे कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 1 घंटा है तो 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तुरंत कहेंगे 2 घंटा, एकदम आँख बंद करके कहेंगे कि 2 घंटा लगेगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और आपको तजुर्बा करके दिखाना चाहता हूँ कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम फॉर 90% कंप्लीशन इज 10 मिनट। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका 90% कंप्लीट होने में 10 मिनट का वक्त लेता है, वो तो कहता है कैलकुलेट द टाइम फॉर
99% कंप्लीशन, 99% कंप्लीट होने में भी कितना वक्त लगेगा वह कैलकुलेट करना है हमको। फिर यहाँ एक तजुर्बा इसलिए इसको कहा मैंने कि फिर इसे एक कंक्लूज़न हमको मिलेगा और उस कंक्लूज़न को हम याद कर लेंगे, बाद में बार बार हमको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से हम बच जाएंगे। यहाँ फिर से हम इसलिए इसका नाम तजुर्बा रखें, एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक अनुभव प्राप्त करना चाह रहे हैं और इसलिए मैंने इसको कहा कि ये तजुर्बा है। तो 99% कंप्लीशन होने में कितना वक्त लगेगा यही तो देखना है। तो जो डाटा दिया हुआ वो हम लिख लेंगे पहले, गिवन डाटा वो है कि T 90% हमको मालूम है 10 मिनट, और कैलकुलेट क्या करना है, टू कैलकुलेट T 99% ये हमको मालूम करना है। तो ठीक है, हम मालूम करेंगे लेकिन उसका तरीका हमको पता होना चाहिए। तो सपोज करो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो ए है या एक्स है, कुछ भी कह सकते हैं, एक्स है। तो कहोगे कि सर इनिशियल कंसंट्रेशन की ज़रूरत क्यों है, तो T 99% जब निकालेंगे तो होगा 2.303/k, तो k तो मालूम होना चाहिए, तो k कैसे मालूम होगा, इसी काम के लिए हम यहाँ एक्स माने हैं। तो पहले जो डाटा दिया हुआ है आफ्टर 90% कंप्लीशन, अगर ये 90% कंप्लीट हो गया द फाइनल कंसंट्रेशन विल बी, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो एक्स माइनस एक्स का 90/100, तो 1/10x ये बच गया, 1/10x बच गया, ये फाइनल कंसंट्रेशन हुआ। तो फाइनल कंसंट्रेशन जब हमको पता चल गया तो देखिए हम k का वैल्यू तुरंत निकाल लेंगे, k का वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे। नाउ T 90% का जो फॉर्मूला होगा वो 2.303/k log इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमने x माना हुआ है x/10। तो देखो T 90% जो है वो कितना है, 10 मिनट दिया हुआ है, 2.303/k और ये x x कट गया log 10, तो k बराबर हो जाएगा, log 10 तो 1 हुआ, तो k इज इक्वल टू 2.303/10, इसको हम लिख देते हैं, इसका यूज करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमको k पता हो गया। Now, after 99% completion, the final concentration, x minus x का 99/100, तो x/100 हो गया, ये x/100 हो गया। तो हेंस T 99% अब हम निकालना चाहते हैं, यही तो हमारा टास्क है, 2.303/k, k का वैल्यू हमको पता है 2.303/10, तो 10 ऊपर चला गया, log इनिशियल कंसंट्रेशन तो x है और फाइनल कंसंट्रेशन x/100 है। तो देखिए इस 100 x से x कट गया, 100 नहीं कटा, 100 रहने देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2.303 × 10/2.303, तो काट देना चाहिए हमको log 100, तो देखो इसे ही कट गया, तो 10 × 2 log 100 इक्वल टू 2, 20 मिनट्स। यहाँ फिर एक नया हमारे पास रिजल्ट आ गया कि T 99% जो होता है वो हमेशा T 90% का दोगुना होता है, T 90% का वो दोगुना होता है, ये हमेशा ध्यान देना है हमको कि T 99% जो होगा वो T 90% का दोगुना होगा।
ये ध्यान देना है। T50 75% जो होगा वो T50 का दोगुना होगा। ये सब डाटा है, ये कुछ शॉर्टकट में आपको याद रखना चाहिए, ये बड़ा हेल्पफुल होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब कभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ ये बहुत ही हेल्पफुल होता है और हमको बड़ा काम देता है, बड़ा समय बचाता है ये। नहीं तो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कंसेप्ट है, आप कैलकुलेट तो कर ही लोगे, आपके पास सारा इंस्ट्रूमेंट है, आप कैलकुलेट तो तुरंत कर लोगे, लेकिन उसमें वक्त जाएगा, वो टाइम लेगा आपको, टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसलिए हम उस कंजम्पशन से बचने के लिए ऐसे तजुर्बे करते हैं और उससे हम अनुभव पाते हैं। तो बार बार अपने से काम करके अनुभव नहीं पाया जा सकता है, नहीं पाना भी चाहिए, दूसरे के अनुभव से ही कुछ सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर एक और तजुर्बा करना चाहते हैं, इन सारे तजुर्बों से चूंकि हम तो आपके पास है नहीं, इन सारे तजुर्बों से आपको अलग अलग रिजल्ट निकलता है और वो आपके सामने रख रहा हूं। एक और तजुर्बा करना चाहते हैं फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम फॉर 90% कंप्लीशन, 90% कंप्लीशन इज 10 मिनट। फिर वही सवाल, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, 10 मिनट्स है। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन, मतलब पहले तो 99% कंप्लीशन की बात कर रहे थे, अब मैंने लिख दिया है कि 99.9% कंप्लीशन होने में कितना वक्त लगेगा, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो पहले फिर वही बात है, गिवन डाटा T90% मालूम है, 10 मिनट। टू कैलकुलेट T99.9%, ये हमको मालूम करना है, ये हमको पता नहीं है, ये हमको मालूम करना है। तो फिर वही प्रोसेस है, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन वो x मान लेता हूँ, तो आफ्टर 90% कंप्लीशन, अगर 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन क्या बचेगा, तो x माइनस x का 90/100, तो x/10, यही तो लिखा, x/10 बचा। तो कह सकते हैं नाउ k = 2.303/t log x/10, तो ये हो जाएगा 2.303/10, और यहाँ log 10 तो log 10 1 होता है, तो ये हो गया 2.303/10। ये पहले भी निकाल चुके हैं, वही वैल्यू आया क्योंकि डाटा वही था। अब कहना है आफ्टर 99.9% कंप्लीशन, ध्यान दीजिए 99.9% कंप्लीशन, फाइनल कंसंट्रेशन क्या बचेगा, फाइनल कंसंट्रेशन जो होगा x माइनस x का 99.9/100, तो क्या घट मिलेगा हमको,
0.1x/100 मतलब x/1000 यही तो मिलना चाहिए। 100 में से 99.9 घटाओगे तो 0.1 बचेगा तो 0.1 ठीक तो 1000 हो गया, तो x बाई 1000 हो गया। तो अब नाउ t99.9% निकालिए, तो t99.9% अगर निकालते हैं आप तो 2.303/k का वैल्यू हो गया 2.303/10, तो 10 ऊपर चला गया। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन x फाइनल कंसंट्रेशन x बाई 1000, तो ये हो जाएगा, सबको सॉल्व कर दीजिए, इस कट जाएगा तो 2.303 से भी कट गया, तो 10 × 3 मतलब 3 × t 90%। ये कंक्लूजन थे कि याद रखना है हमको, हम लोगों को हमेशा, कि t99.9% जो होगा वो t90% का 3 गुना होगा, और t99.99% कर दीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका होमवर्क हुआ, ये आप निकालिएगा। एक तजुर्बा और मुझे करना है, उसके बाद एक टॉपिक में चलेंगे। एक तजुर्बा ये करना है कि कोई हाफ लाइफ पीरियड है, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ पीरियड हमको 50 मिनट पता है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड जो है वो है 50 मिनट। पूछता है कि when will it disappear completely। ध्यान से समझ लीजिए पहले सवाल को। सवाल कहता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ पीरियड 50 मिनट है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये कब पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, एकदम से कम्प्लीटली डिसअपियर कब हो जाएगा, ये सवाल है। मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, 100% कब समाप्त होगा। तो कोई भी आदमी अब जोड़ेगा कि चलिए 1 kg लिया तो उसका 50 मिनट हाफ लाइफ पीरियड है, तो 50 मिनट में वो घट के आधा हो जाएगा, और अगले 50 मिनट में आधा किलो भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो 100 मिनट में ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हम लोग इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि कब ख़त्म होगा, कितना समय लगेगा इसमें, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली ज़रा देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। ये भी एक क्वेश्चन था। सपोज करिए इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो हम मान लेते हैं ए, तो कहता है कि आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन 100% रिएक्शन हो जाए तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना बच जाएगा, 0, कुछ नहीं बचेगा, जब डिसअपीयर ही हो गया तो 0 हो गया। गिवन डाटा जो है हमारे पास वो है t ½ = 50 मिनट्स, जिसको 0.693/k हम लोग कहते हैं, तो इसे k निकाल सकते हैं, 0.693/50 यही होगा। नाउ t 100% मतलब 100% कब रिएक्शन कंप्लीट होगा, 2.303/k का मतलब 0.693 और ये 50 ऊपर चला जाएगा, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ए फाइनल कंसंट्रेशन 0, तो हो गया 2.303 × 50/0.693 × इनफाइनाइट, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इसका मतलब हुआ इनफाइनाइट।
एक बड़ा सा कंक्लूजन सामने आया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाला कोई भी रिएक्शन कभी भी 100% होगा ही नहीं, वो कभी डिसअपीयर नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक वो रहेगा। इसी यही कारण है कि आज से 5 करोड़ साल पहले जो डायनासोर के हड्डी में कार्बन 14 था, वो कार्बन 14 आज भी है, और उसी का हम लोग रेडियो आइसोटोप डेटिंग करके ये पता लगा लेते हैं कि डायनासोर कितना करोड़ साल पहले इस धरती पर राज करता था। और ये हमारे पास देखिए कितना अच्छा टेक्निक है, और ये टेक्निक इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि 100% वो कभी समाप्त नहीं होगा, थोड़ा न थोड़ा अमाउंट रह ही जाएगा, जिसको हम लोग मालूम करके और उसके एज की जानकारी आराम से लगा पाएंगे। ये है इसकी खास बात, ये कभी डिसअपीयर होगा ही नहीं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाला कोई भी सब्सटेंस 100% डिसअपीयर नहीं हो सकता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये उतना ही सच है जितना हमारा और आपका होना। तो ये कुछ तजुर्बा हमने आपको दिखाया, और इसके बाद इसी से रिलेटेड एक बात है, एक कंसेप्ट डेवलप करना है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो गैस होते हैं। तो आप तो जानते भी हैं कि गैस का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने से ज़्यादा आसान होता है उसका प्रेशर एक्सप्रेस करना। कोई भी चीज़ अगर हम एक्सप्लेन करें तो गैसियस सब्सटेंसेस के लिए हम प्रेशर का इस्तेमाल प्रीफर करते हैं कंसंट्रेशन के मुकाबले। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा एक और तजुर्बा करना चाहते हैं। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैस। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जो है वो गैस है। हम ऐसे रिएक्शन के लिए डिसाइड करना चाहते हैं, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, तो देखिए सपोज कीजिए ए गैसियस रिएक्शन, एक गैसियस रिएक्शन की हम बात करते हैं जिसमें से ए टूट के बी प्लस सी बनाता है, और ए भी गैस है, बी भी गैस है और सी भी गैस है, ये सब गैस है, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फॉर गैसियस स्पीसीज इट इज easier to express the pressure than concentration of gas. गैस का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस करें तो वो आसान है कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस करने के मुकाबले। तो अगर हम इसको प्रेशर के टर्म में लिखें, इफ़ रेट कांस्टेंट
रेट कांस्टेंट इज रिटेन इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर हम इसको प्रेशर के टर्म में लिखें तो ध्यान दीजिए k बराबर हो जाएगा 2.303 बाई टी टाइम लॉग, ये हो जाएगा इनिशियल प्रेशर, तो पी आई कह देता हूँ, बाई फाइनल प्रेशर, तो पी पी एफ कह देता हूँ, ठीक है, पी आई बाई पी एफ यही होगा जो इनिशियल प्रेशर है, जिसमें मैं लिख देता हूँ एब्रिविएशन क्या है, वेयर दिस पी आई इज इनिशियल प्रेशर, एंड दिस पी एफ इज द फाइनल प्रेशर, तो ऐसा कोई डिकम्पोजिशन वाला रिएक्शन हो तो इसको हम गैसियस रिएक्शन हो तो हम उसके रेट कांस्टेंट को प्रेशर के टर्म में लिखना ज़्यादा सुविधाजनक समझते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में लिखने के मुकाबले। तो प्रेशर में लिखने के लिए कुछ प्रीवियस कंसेप्ट्स का हम यूज़ करना चाहेंगे जो कि पिछले क्लास में आपको समझाए होंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में। द रिएक्शन, इसको समझ लीजिए पहले, रिएक्शन ए से बना बी गैस प्लस सी गैस, ए गैस, इसका इनिशियल प्रेशर, जो है वो है पी आई, तो इसका जीरो होगा और इसका जीरो होगा क्योंकि शुरू में तो केवल रिएक्टेंट ही रहा होगा। आफ्टर टाइम टी, अगर वक्त बीता टाइम टी तो ये प्रोड्यूस हुआ एक्स और ये भी प्रोड्यूस हुआ एक्स, तो ये बच गया पी आई माइनस एक्स, एक मोल घटता है तो ये रिलेशनशिप आप जानते हैं, तो ये बच गया पी आई माइनस एक्स। नाउ टोटल प्रेशर, जिसको हम पी टी से रिप्रेजेंट करेंगे वो बराबर क्या होगा, पी टी बराबर, तो देखो पी आई माइनस एक्स, अच्छा अब प्लस एक्स और फिर प्लस एक्स, तो बच गया ये एक्स, कट गया पी आई प्लस एक्स, ये टोटल प्रेशर हो गया हमारा। तो टोटल प्रेशर जो हुआ, तो यहाँ से अगर आप एक्स निकालना चाहते हैं एक्स, तो हो जाएगा पी टोटल माइनस पी आई, ये एक्स का वैल्यू हो गया। तो फाइनल प्रेशर अगर आप निकालना चाहते हैं, फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट ए, का फाइनल प्रेशर वो क्या होगा, देखो ना है पी आई माइनस एक्स है, तो आप समझ गए होंगे पी आई तो पी आई है और एक्स के जगह पर रख देना है यही पी टी माइनस पी आई, तो हो जाएगा पी आई माइनस पी टी और प्लस पी आई, तो ये 2PI माइनस पी टी, तो ये हो गया A का फाइनल प्रेशर। नाउ द रेट कांस्टेंट विल बी, अब इसका रेट कांस्टेंट निकालोगे अगर, तो K बराबर हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग, इनिशियल कंसंट्रेशन तो PI हमने माना है, फाइनल कंसंट्रेशन 2PI माइनस PT। क्वेश्चन नंबर 23, 21, 22 ये इसी से बनेगा एक्सरसाइज का।
ये भी हमने केवल इसका फॉर्म बदल दिया है। ये जो पहले कंसंट्रेशन के टर्म में हम रेट कांस्टेंट को लिखा करते थे, अब उसको कंसंट्रेशन के टर्म में न लिख के प्रेशर के टर्म में लिखा, और तब हमारे पास ये फॉर्म आ गया। तो ये भी रेट कांस्टेंट का ही एक फॉर्मूला है, लेकिन वैसे रिएक्टेंट के लिए, वैसे रिएक्शंस के लिए जहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैस होते हैं, उसके लिए तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 ये सब है, उसमें ऐसे फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, केवल पुराने वाले फार्मूले का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। अब दो चार मिनट में हमको कंक्लूड कर देना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, और उसमें एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन आता है। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तब मोलेकुलरिटी बचेगी, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे मोलिकुलरिटी को। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए स्यूडो कई बार चर्चा किए होंगे, स्यूडो का हिंदी मीनिंग होता है झूठा, झूठा, तो लिटरल मीनिंग यही होता है इसका, झूठा। तो झूठा रिएक्शन, झूठा ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि रिएक्शन झूठ बोलने वाला होगा, ये मतलब नहीं हुआ। झूठा ऑर्डर मतलब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक चंद एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा जनरल लाइफ का। सपोज कीजिए कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, और मैंने एक किसी को दिया रखने के लिए अपने घर में, बेटी को दिया कि तुम इस रुपये को रख दो, बेटी ने उसमें से 1,000 रुपया चुरा लिया। अब 1 करोड़ रुपया में से 1,000 रुपया अगर किसी ने चुरा लिया है तो मुझे पता भी नहीं चलेगा उसकी मोटाई, उसका वज़न कुछ पता नहीं चलेगा, और कौन 1 करोड़ रुपया को फिर बार बार गिनने जाता है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि 1,000 किसी ने चुराया है। लेकिन वही पैसा अगर घट के मेरे पास 10,000 हो जाए, और उसमें से अगर 1,000 मेरी बेटी चुरा लेती है, तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि 1,000 रुपया गायब हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी रिएक्शन में, इन ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन में सपोज कीजिए कि ए प्लस बी दे रहा है कोई प्रोडक्ट, तो इसमें कई बार आपको समझाया है कि जिस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के चेंज होने से रिएक्शन का रेट भी बदल जाएगा, हम कहेंगे कि रिएक्शन का रेट उसी रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और अगर चेंज नहीं करता है तो कहेंगे उस रिएक्टेंट के से रिएक्शन का रेट इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, यही बात कहेंगे। तो द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी डिपेंडेंट अपॉन द रिएक्टेंट हुज कंसंट्रेशन, हुज कंसंट्रेशन चेंजेज ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दरमियान जिसका कंसंट्रेशन बदलेगा, हम कहेंगे कि उसी रिएक्टेंट पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, अगर चेंज नहीं होता है तो कहेंगे उसे इंडिपेंडेंट है। इसमें से कहता है कि अगर इफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, अगर इसमें से कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में लिया जाए, देन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दैट वेरी रिएक्टेंट विल बी निग्लिजिबल।
जैसा कि मैंने 1 करोड़ का एग्जाम्पल आपको बताया है कि अगर इसमें से कोई भी एक रिएक्टेंट, जैसे सपोज कीजिए बी एक्सेस में लिया, तो बी के कंसंट्रेशन में एकदम नेग्लिजिबल चेंज होगा, तो हम कहेंगे हिंस वी से दैट रेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट रिएक्टेंट, और उसी रिएक्शन को स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है. इफ इन एबव रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन में बी जो है इज एक्सेस, अगर बी एक्सेस है तब जो ऑर्डर रेट होगा वो लिखा जाएगा k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू दी पावर x और b टू दी पावर 0, क्योंकि b के चेंज होने से रेट पर कोई डिपेंड फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, एकदम नेग्लिजिबल होगा. और इस केस में हम कहेंगे कि रिएक्शन स्यूडो ऑर्डर है, दिस इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. यह एक सीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जिसमें लग रहा है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन है, दोनों पे रेट डिपेंड करेगा, लेकिन एक के एक्सेस होने का कारण उस पर डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग सीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं. और इसका एक एग्जाम्पल है, पढ़े भी हैं आप, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. ईस्टर का हाइड्रोलिसिस CH3COO C2H5 + H2O लिक्विड बताया था, ये बनाता है CH3COOH + C2H5OH, जिसमें ये एक्सेस होता है, और इसके लिए रेट हम लोग लिखते हैं के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O टू दी पावर 0, और ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और इस तरह से हम लोग इसको समझ जाते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं कि सीडो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहेंगे. तो ये सीडो ऑर्डर रिएक्शन की बात हुई. इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है. मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे.